बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आप देख रहे हैं A2Z चैनल। आज हम आपको बताने वाले हैं दुनिया की 7 सबसे महंगी बंदूकें, जो आपको शायद ही मालूम है। तो बिना टाइम दया करे शुरू करते हैं अपनी वीडियो। टेडी रोसेवल्ड शॉटगन, डबल बैरल वाली शॉटगन जो शिकार से मोहब्बत करने वाले सदर की मुस्तकिल साथी थी, नीलाम में $8,62,000 में फरोख कर दिया गया था। ये तारीखी आसार जो रोज वायलेंट अपने साथ ले गया था जब 1909 में स्मिथ्स अफ्रीकन मुहिम पर रवाना हुआ था, महम में 1 साल तक जारी रही और उन्होंने इस महीने का आगाज किया जब उन्होंने सदारत और वाइट हाउस छोड़ दिया था। वही कर रहे थे जो उसे बेहतरीन करना पसंद था, यानी शिकार। एम विल्सन कोल्ट रिवॉल्वर, 1847 में टास्क रेंजर सैम विल्सन को मियारी तौर पर कोल्ट रिवॉल्वर जारी की गई। यह मॉडल खास तौर पर एलिट टास्क फोर्स के इस्तेमाल के लिए बनाया गया था, जिसने इलाके के अंदर कानून के मियार को बरकरार रखने में मदद की। ये एक सिया पाउडर रिवॉल्वर है जो या तो 220 अनाज की गोली 44 कैलिबर राउंड बॉल को गोली मारने की सलाहियत रखती थी, और इस बंदूक को $9,20,000 में फरोख कर दिया गया, और जो पाकिस्तानी रकम में 15 करोड़ से ज़ायद बनते हैं। कोल्ट पीटरसन रिवॉल्वर, तारीखी टेक्नोलॉजी की एक लाइन में पहले होने की वजह से जिसने मुल्क की तारीखी को तश्कील देने में मदद की, इसे मुतहरिक तारीखी अहमियत देता है। इन बंदूक की महदूद तादाद तैयार की गई थी और इसकी हालत कदीम है। $9,77,000 में फरोख कर दिया गया था, जो पाकिस्तानी रकम में 16 करोड़ से ज़ायद बनते हैं। गोल्ड इनलैंड कोल्ट मॉडल, 1849 में इस बंदूक को किसी भी मकसद से ले जाना आसान था और यह इस दौर के सबसे ज़्यादा वसूल करदा मॉडलों में से एक थी। इस ख़ास बात ने नीलाम में ना सिर्फ अपनी तारीखी कदर की वजह से एक छोटी सी किस्मत हासिल की, बल्कि इसकी वजह यह भी थी कि इसमें सोने का इंदला भी शामिल था। इस बंदूक को $11,00,000 में फरोख कर दिया गया था, जो पाकिस्तानी रकम में 18 करोड़ से ज़ायद बनते हैं। सिमोन बोलिवर्स फ्लैंट पिस्तौल, दोस्तों, फ्लैंट डॉग पिस्तौलों का ये मजमू एक ज़बरदस्त तारीखी अहमियत का हामिल है, क्योंकि ये जनूबी अमेरिका के मुतादिद ममालिक की स्पेनिश सल्तनत से आज़ादी हासिल करने के ज़बरदस्त सियासतदानों और फौजी रहनुमा की मलकियत थी। दोस्तों, यह बंदूक $16,50,000 में फरोख कर दी गई थी, जो पाकिस्तानी रकम में 27 करोड़ रुपए बनते हैं। जॉर्ज वॉशिंगटन सैंडल पिस्तौल, दोस्तों, यह बंदूक अमेरिका के पहले सदर की मलकियत थी। यह पिस्तौल इनकलाबी जंग के दौर से है और इसमें कोई शक नहीं कि वो किसी कार्रवाई में मुलव्वस थे, क्योंकि बानियों ने बिल्कुल नए मुल्क की आज़ादी हासिल करने के लिए बहादुरी से जद्दोजहद की थी। 2002 में रिचर्ड किंग मेलन फाउंडेशन ने $19,50,000 से ज़ायद में ख़रीद लिया था और इसकी पाकिस्तानी रकम में 32 करोड़ से ज़ायद बनती है। द गन दैट किल्ड प्रेजिडेंट लिंकन, दोस्तों, इस बंदूक से सदर अब्राहम को मारा गया, जिसको फोर्ट थिएटर नेशनल हिस्टोरिक साइट पर एक केस में बाहिफाजत महफूज किया गया है, जबकि इसे 1800 की दहाई में इस बंदूक को $25 में ख़रीदा गया था। यह बंदूक किसी भी रकम में नहीं खरीदी जा सकती। इसे दुनिया की सबसे कीमती बंदूक समझा जाता है, लेकिन क्या ये कभी नीलामी पे जाएगी? एक मौके पे नहीं, हम इसे फहरिस्त के सबसे पहले नंबर पर डाल सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ बंदूक $25 में फरोख की गई थी। तो दोस्तों, आपका क्या ख्याल है, ये बंदूक नीलामी पे जाएगी या नहीं? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफिज़।